पारस ऑफिशियल भाई ने कमेंट किया हमारा ऑनरेबल एमएलए निनोंग इरिंग सर का उसमें कि वो चाइनीज है, चाइनीज दिखता है, और उसके साथ जो भी ग्रुप फोटोज में थे बोला सभी तो चाइनीज लग रहे, और बोला कि अरुणाचल का मैप, इंडिया का मैप में अरुणाचल इतना छोटा सा है, चाइना बॉर्डर में है। तो भाई आप अपना ज्ञान को जो है अब अपने पास रखो, आप जिस प्रकार से आप बोल रहे हो मुझे तो आपके उस पर कमेंट्स करने के लिए मैं तो आपको इस लाइक भी नहीं समझता हूँ। नाइस ब्रो, लव फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, लव यू ब्रो फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, थैंक यू फॉर सपोर्ट, लव फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश बड़ी, वी लव फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। अब जितने भी लोग मुझे अरुणाचल प्रदेश से देख रहे हैं, तो भाई देखो मैं भी बिहार से हूँ और मुझे भी भली भांति पता है कि जब लोग आपसे भेदभाव करते हैं तो आपको कैसा लगता है। आपकी लैंग्वेज, आपकी फेस और आपकी बोलने के तरीके से लोग आपको जज कर लेते हैं जस्ट बिकॉज आप उस स्टेट से बिलोंग करते हैं। और हाँ, कल मैंने पारस ऑफिशियल वाले वीडियो पे अपना ऑनेस्ट ओपिनियन रखा था और आज भी मैं वही करने वाला हूँ, क्योंकि कल पारस ने अरुणाचल प्रदेश के बारे में गलत बोला था और आज कुछ और यूट्यूबर्स भी पारस की तरह गलत बोल रहे हैं। हालांकि ये छोटे यूट्यूबर्स बिल्कुल भी नहीं है, तुमको आगे इस वीडियो में पता लग ही जाएगा। अब आई डोंट नो कि ऐसे चूतिए लोग कहां से आते हैं जो किसी इंसान के शक्ल और उसके नाम को देख के ये जज कर लेते हैं कि वो इंडियन है कि नहीं। मतलब इनको तो 701 लंड की सलामी मिलनी चाहिए भाई, क्योंकि इन लोगों के लिए अरुणाचल प्रदेश का बंदा इंडियन है ही नहीं। और साला ये पबजी, मतलब ये पबजी वाले इंडियन ना होके एक बवासीर हो रखा है, क्योंकि मेरे कल वाली वीडियो पे एक बंदे ने कमेंट किया कि भाई तुम को कुछ भी बोलो पर प्लीज पबजी कुछ बोलना भी मत। देखो भाई ये भाई साहब को सही से लिखना तक नहीं आ रहा है और इनके लिए किसी इंसान से बढ़कर पबजी है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि इंडिया में ऐसे चूतिए लोगों की कमी बिल्कुल भी नहीं है, पर कुछ बड़े यूट्यूबर्स भी चूतिया होते हैं वो मुझे नहीं पता था। अब पारस भैया के लौड़े लगे उनकी अभद्र वाणी के लिए, तब कुछ और बड़े यूट्यूबर का अभद्र वाणी वाला वीडियो ऊपर आने लगा। मोबाइल इंडिया है तो दिक्कत ही क्या है उनका, जो लोग बोल रहे हैं कि पबजी मोबाइल, ठीक है एक बहुत गंदा ट्रोल करता हूँ, जो लोग बोल रहे हैं कि पबजी मोबाइल जो अभी बैंगलोर मोबाइल इंडिया आ रहा है वो चाइना का है, यार तुम अपना नाम तो देखो, तुम्हारा नाम तो चाइना का है। जिस भी बंदे ने ट्वीट डाला उसका नाम देखो एक बार जाके, क्या नाम है उसका। सब मिनिस्टर सेइंग बीजीएमआई शुड नॉट बी लॉन्च, इज इट कमिंग और नॉट। भाई वो यार जो मिनिस्टर ने बोला, यार क्या किस मिनिस्टर की बातों में आ रहे हो तुम? देखो ना यहाँ से पहुंच सकते हैं, खुद का अच्छा पता नहीं है भाई, छोड़ो ना उनको, तुम वो खुद चाइनीज लग रहा है मुझे शक्ल से। ईशान भाई थैंक यू फॉर द 69। देखो भाई ये बंदा कुछ ज्यादा ही हाइपर हो रहा है, तो इसको बाद में देखते हैं। और वैसे भी मैं इसको जानता भी नहीं, पर इसको तो तुम में से काफी लोग ऑलरेडी जानते ही होगे। नहीं यार, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इनके पास दिमाग नाम की चीज है कि नहीं? नहीं। अरे भाई तुम सिर्फ पबजी को खेल के अपने आप को गेमर कहते हो, तो तुमसे बड़ा चूतिया इस दुनिया में है ही नहीं। और है भी तो वो लोग है जो तुमको गेमर कहते हैं। अरे लौड़े का गेमर, हमें ऐसा गेमर नहीं चाहिए भाई जो दूसरे का रिस्पेक्ट ना करता हो। और जहां तक मुझे लग रहा है कि पारस भाई के बाद इसका ही नंबर आने वाला है, क्योंकि इसका नाम है GTX प्रिंस और इसकी यूट्यूब चैनल पे करीब 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। मतलब सब्सक्राइबर्स इतना ज्यादा और ऑडियंस को क्या सिखाना है और क्या नहीं सिखाना है इनको वो भी नहीं पता। और साला जैसे ही इनको पबजी से रिलेटेड कोई बुरी खबर मिलती है ना, तो ये लोग ट्रिगर हो जाते हैं। अरे भाई एक गेम के लिए पूरे पूरे स्टेट का मजाक बना देना, इट्स नॉट अ जोक। पता नहीं इन जैसे कितने और है जिनका भेद खुलना भी बाकी है। और साला जितने भी पबजी लवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो भाई पबजी अगर फ्यूचर में बैन होता है तो इन जैसे गंवार लोगों की वजह से ही बैन होगा, और ऐसे ही लोग तुम्हारे गुनहगार भी होंगे, क्योंकि इनके लिए एक इंसान और देश से बढ़कर एक गेम है बहनचोद। बहुत तकलीफ होती है। पारस भाई अभी जेल में है क्योंकि उसकी की हुई गलती बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था और उसको जेल होना भी चाहिए था, पर वो तो इन लोगों के मुकाबले बहुत छोटा है भाई, और जब उसको सजा मिली है तो इनको भी सजा मिलनी चाहिए, और ये काम भी तुम्हारा ही है। पारस को मैं तो जानता भी नहीं था, पर उसकी एक अच्छी चीज थी कि उसने सभी को सॉरी बोला और अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, और उसने अपनी वीडियो को भी डिलीट किया। और हाँ, मेरी पिछली वाली वीडियो में बहुत लोग मुझे कमेंट में बोल रहे थे कि भाई एमएलए को अंकल क्यों बोल रहा है, चूतिया है क्या, तमीज नाम की चीज नहीं है क्या तेरे पास, चुप। आई नो कि मैंने गलती से इनको अंकल बोल दिया और इस बात के लिए मैं तुमसे सॉरी भी बोलता हूँ, पर मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं था, ये तुमको भी पता है। बाकी भाई अब मैं तुमको दिखाता हूँ कि जनता ने क्या हाल किया है पारस भैया के इंटरनेट पे। ऐसा इशू क्रिएट हो गया अभी जिसने पूरे अरुणाचल प्रदेश के लोगों को आउटसाइडर बना दिया। तो बात कुछ ऐसा शुरू हुआ कि एक यूट्यूबर है जो कि गेमिंग चैनल चलाता है, उसका नाम है पारस सिंह, शॉर्टकट में बताती हूँ मैं, कि पबजी जो गेम है वो चाइनीज का है, वो बैन हो गया था फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि पबजी कोरोना की वजह से बैन नहीं हुआ था, बल्कि हमारे पीएम मोदी जी ने इसको बैन करके चाइना के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक किया था। सो प्लीज पहले सही से तो रिसर्च कर लीजिए मैडम। और भाई इस बंदे के ऊपर इतने सारे यूट्यूब की वीडियो बन चुकी हैं कि अगर तुम गिनने निकलोगे तो गिन भी नहीं सकोगे, लेकिन इनके ऊपर एक या दो और ज्यादा से ज्यादा पांच ही वीडियो बने हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़े क्रिएटर है ना। अरे भाई अगर तुमको सजा ही दिलवानी है तो सबको इक्वली सजा दिलवाओ ना, यहाँ पे छोटा बड़ा ये नहीं देखना है। अगर पारस ने गलती किया है तो ये लोग भी गलत किए हैं। मतलब एक बार तुम फिर से इनकी वीडियो देखो और पारस की भी वीडियो देखो। जो लोग बोल रहे हैं कि पबजी मोबाइल, ठीक है एक बहुत गंदा ट्रोल करता हूँ, जो लोग बोल रहे हैं कि पबजी मोबाइल
जो अभी बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया आ रहा है वो चाइना का है यार। तुम अपना नाम तो देखो, तुम्हारा नाम तो चाइना का है। जिस भी बंदे ने ट्वीट डाला उसका नाम देखो एक बार जाके, क्या नाम है उसका भाई। वो यार जो मिनिस्टर ने बोला यार, क्या किस मिनिस्टर की बातों में आ रहे हो तुम? देखो ना यहाँ से पहुंच उनका खुद का अता पता नहीं है भाई, छोड़ो ना उनको। तुम वो खुद चाइनीज लग रहा है मुझे शक्ल से। वाह, अगर मेरा बस चलता ना तो इन जैसे चाचा चौधरी के चौथे चूतियों को ऊपर गांड पर डंडा तब तक बरसवाता कि जब तक ये अपने आप को गेमर कहना ना छोड़ देते। ये लोग सिर्फ एक गेम की वजह से अपने गांड में डंडा ऐसे ले रहे हैं कि जैसे वो एक गेम नहीं बल्कि कोई मिल गया का जादू है बहनचोद। मतलब खुद ही सोचो भाई, तुम्हारे 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और तुम्हारे पास बुद्धि झांट के बराबर भी नहीं है। अब जो लोग पारस को टारगेट करके उसकी फैमिली और उसकी माँ को गाली दे रहे हैं तो भाई तुमसे बड़ा बुद्धिहीन कोई नहीं है। किसी को गाली देकर तुम अपनी भड़ास तो दूर कर सकते हो लेकिन तुम भी उतना ही गलत हो जाओगे जितना सामने वाला बंदा होता है। तो जैसे तुमने पारस को सजा दिलवाई वैसे इन बंदों को सजा दिलवाना तुम्हारा ही काम है। और रही बात पबजी की, तो आई नो कि पबजी में चाइना कंपनी टेंशन का शेयर है पर इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ कर ही पबजी को किया होगा। तो एक गेम के लिए इतना सीरियस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाकी तुम बताओ ये वीडियो तुमको कैसी लगी। अगर तुमको ये वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट में मुझे बताओ कि कहां मैं गलत था ताकि मैं उस चीज को इम्प्रूव कर पाऊं। बाकी मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो की मजदूरी में। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बाय। Also stated that the Union Home Ministry has already issued a strong advisory to all the states and union territories to ensure that the protection and dignity of the people of Northeast. मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ मेरे बच्चे को लेके गए। मेरा एक ही बेटा है मेरे इस दुनिया में, उसके अलावा कोई भी नहीं है, ना उसका पापा है ना और कोई सहारा है मेरा। मेरे लिए वो ही है, उसके लिए मैं हूँ। बस मैं आप सबसे यही विनती करना चाहती हूँ कि मेरा बेटा से जो भी गलती हुआ है उसे माफ़ कर दीजिए।